जिस जो भी लड़की की शादी होती है उस वर्ष बहू के मायके से 14 चीनी के करवे, जो करवे आते हैं चीनी खान की आती, और वे 5-5 पतासे रुपया रखकर सबके मोली बांध डोली से सतिया करके साड़ी ब्लाउज पैर पढ़ाई के रुपए 14 ढक्कन वाली बर्तन एक लोटे में चावल दमाद के कपड़े एक हाण चीनी का करवा एक मिट्टी का करवा अथवा सामर्थ्य अनुसार स्टील या चांदी का करवा पानी भरकर नाला बांध कर सतिया करके तेरे टिक्की करके फल मिठाई पूरी सब्जी हलवा आदि के साथ विशेष मायना भी आता है। यदि किसी के यहाँ पर ज्यादा खर्च है तो चीनी के करवे व बर्तन 14 की जगह 21 भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा बांटने के लिए होता है सहयोग तो ज्यादा भी मंगा सकते हैं। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खाना खाते हैं। इस व्रत में फलाहार नहीं किया जाता है। आज का जो व्रत है यह सौभाग्य को प्राप्त करने वाला है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। भाइयों में बड़ा प्रेम था आपस में, और बगैर बहन के वो खाना नहीं खाते थे। सभी बहन का जिस घर में प्रेम होता है, सुमति होती है, सब एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, वही घर स्वर्ग के समान है, वही घर मंदिर है। तो 7 बेटे 1 बेटी थी। भगवान की कृपा से क्या हुआ कि आज का दिन आ गया, चौथ का दिन आ गया, बेटी की शादी हो चुकी थी। लेकिन पहला जब व्रत होता है, शादी के पहली साल बेटी जो है मायके आ जाती है, ऐसा बताते हैं लिखा हुआ भी है। तो मायके आ गई, तो जब खाना खाने के लिए बैठ गए तो कहा कि हम बगैर अपनी बहन के खाना नहीं खा सकते हैं। जब तक हमारी बहन नहीं खाएगी हम कैसे खाना खा लेंगे। उनकी घरवाली ने मतलब कहा कि आपकी बहन आज खाना अभी नहीं खाएगी, आप कर लीजिएगा, आप खा लीजिए। कारण यह है कि आज करवा चौथ का व्रत है। आज सुबह से खाने की तो बहुत बड़ी बात है, आज सुबह से पानी तक नहीं पिया। अच्छा, तो हम खाना नहीं खा सकते, पर कैसे खाएंगे जब तक चांद नहीं निकलेगा। चांद को अर्घ देकर चांद के दर्शन करके तभी तो खाना खा सकते हैं। बैठे ये काम तो हमारे वहां याद करते हैं, अपने आप कर देते हैं। किसी ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए और एक छलनी ले ली, छलनी होती छलनी ले ली और पीछे दीपक जला दिया। जब छलनी के पीछे दीपक जल जाएगा वो भी अंधेरी जगह पे, तो अपने आप ऐसा दिखाई देगा जैसे चंद्रमा निकल रहा है, छेद होते नहीं उसमें। इसी प्रकार से एक बड़े से पेड़ पर ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए और छालनी ले ली और पीछे दीपक जला दिया और कहा कि देख बहन तेरा चांद निकल आया है। तो बहन तो भाई पर विश्वास करती थी, जो भाई कहते थे वो पक्का है। सभी भाभियों से कहा कि आप चलिए चांद निकल आया, अर्घ दे देते हैं और रोटी खा लेते हैं। सभी भाभियों ने मना किया कि आप चांद नहीं निकला आपका, ये आपके भाइयों ने प्रेम के वसीभूत होकर ये चांद दिखा दिया झूठे का। आपका चांद तो कम से कम 8-8 बजे निकलेगा, लेकिन वह भाइयों की मोह के वसीभूत होकर और उसने अपना जो भी पूजा की सामग्री थी ले जाके छत पर चढ़ गई और वहां अर्घ दे दिया। पूजा कर ली, जो भी नित्य पूजा होती है, सारी पूजा करने के बाद में भाइयों के संग जब खाना खाने के लिए बैठी, जो पहला गस्सा आया, जब खाते रोटी खाते हैं उसमें बाल निकल आए। यदि बाल यदि खाने में निकल जाए तो समझो कुछ ना कुछ अपशगुन होने वाला है, ऐसा बताते। फिर भी उसने वो निकाल दिया। जब दूसरा गस्सा लेने लगी तो कंकड़ आ गया। जब तीसरा लिया खाने के लिए तो उसी समय उनके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि आपको ऐसे से बात है, इनका पति जो है वो बीमार है। अब शगुन या कोई उदाहरण के साथ से नहीं बताया जाता, कहा कि बीमार है। और चलिए माँ समझ गई, बड़ी बुरी होती है, माँ का हृदय सबसे कोमल होता है, अपने आप समझ जाती है।
बेटी ससुराल से आती है, इतनी भी झूठी मूठी बातें करती रहे, उनका चेहरा देख के पहचान लेती है, बॉडी लैंग्वेज देख के पहचान लेती है, उसकी भावना देख कर पहचान लेती है, उसकी दो चार बात करने के बाद भी पहचान लेती है कि मेरी बेटी सुख में है या दुख में है। माँ का हृदय तो मंदिर है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती माँ को, बेटी कुछ भी कहती रहे लेकिन माँ को भाव होती है, समझ गई कि इसने ऐसे वृत्त तोड़ दिया, कुछ ना कुछ अवसर हुआ है। एक सोने का टका जब मस्त निकालने लगी, चलते चलते मस्त गिर जाए, आप कहीं जा रहे हो अमुक स्थान पर कहीं भी जाना है, हाथ से मस्त गिर जाए तो थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, चाहे कितना भी इमरजेंसी काम क्यों ना हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया फिर क्या करोगे, तब भी तो लेट हो जाओगे, और कोई अनहोनी हो जाए फिर क्या करोगे, इसीलिए वो समय पे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, हो सकता है कि आपका समय खराब है वो घड़ी निकल जाए, इसलिए जब कपड़े निकाले तो सफेद ही कपड़े निकले। ऐसे उसने सारे कपड़े ढूंढा के कपड़े पहना दिए, एक सोने का टका ले लिया, और सोने का टका लेकर, पहले सोने चांदी के सिक्के होते थे वो, एक सोने का टका लिया और कहा कि बेटी ये पल्लू में बांध ले, और जो तेरे को आशीर्वाद, सबकी पैर छूती गई हो सबसे आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद से बड़ा संसार में कोई पुण्य नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई धर्म कर्म नहीं है, जिसने आशीर्वाद ले लिया बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का, सास ससुरों का, माता पिता जिसके घर पे खुश है, सास ससुर खुश है, जिनका पति खुश है, उसे किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से माँ ने सोने का टका दे दिया, अगर बेटी पैर छूती रही हो सबसे आशीर्वाद लेती रही हो तेरा कल्याण हो जाएगा, अब सबके पैर छूए आशीर्वाद ले, लेकिन अपने आप ही मुख से निकल जाता है, जो होना होता है अपने आप ही मुख से निकल जाता है। कहते रहे सबर नहीं था तेरे को, किसी ने भी सुहागा उसको आशीर्वाद नहीं दिया, कथा को तो कितना भी बढ़ाते, अपने घर पे पहुंची तो घर पे पहुंचते ही उसकी ननद मिली, उसके पैर छुए तो कहा तू सात पुत्रों की बेटी हो, बहु मतलब सात पुत्रों की माँ हो, ते सात सात बेटे होंगे, सौभाग्यवती होगा तो बेटे तो जब होंगे सौभाग्य होगा, पति होगा, पति तो मरा पड़ा है, जाके देखा तो उसका पति मरा पड़ा है, रुदन करने लगी, पर भाग्यवश धन जिसका होता है संकल्प जिसने ले लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने अपने पति का संस्कार नहीं होने दिया, और एक जो है शीशा और मतलब उसमें तेल में डाल दिया जाए तो बॉडी का 50 साल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार से उसके पति को तेल में डाल दिया और सबसे ऊपर रख दिया, और वह अपना भगवान की पूजा पाठ अर्चना वंदना आदि करती रही, जब चौथ माता आए उसकी आराधना करे तो बुझे, और बगैर पति के घर के भी जो है इतना नहीं कर पाते, उलाना ताना अटन पटन, पति यदि जबरदस्त है तो ससुराल में भी इज्जत रहती है और अपने माई के भी इज्जत रहती है, पति सब कुछ है, जब पति साथ में है तो पूरी दुनिया पूरा संसार दुश्मन हो जाए ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी की बात नहीं है, पूरा माँ बाप भैया बंधु चाचा ताऊ सास ससुर पूरा संसार यदि दुश्मन हो जाए और पति एक हमारा साथ है, औरत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और पूरा संसार एक तरफ अपना प्यारा हो जाए, ओहो मेरी बहू मेरी बेटी मेरी भाभी मेरी ननद मेरी नौरानी, जो पूरा संसार एक तरफ हो जाए और पति संग नहीं है तो कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है। इसी प्रकार से उसकी सासू माँ जो है झूठे कूटा जो भी बच जाता वो खाना उसको भिजवा देती, और बेचारी इसी प्रकार से समय निकलता गया। किसी से पूछा, कहा गया तेरे चौथ माता का व्रत तोड़ा है, उसकी पूजा में तूने विघ्न डाल दिया, इसलिए वो ही तेरे सुहाग को लौटाएगी, इसे हर महीने की चौथ माता आए पूजा करे, उनको ढोक दे, सुहाग की आराधना करे, विनती करे, कह दे के सबल जी दुनिया भर की जो भी है अब शब्द बोल गए वो चली जाए। फिर धीरे 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 आने के बाद जो इसने जो सबसे बड़ी चौथ माता है
वो कार्तिक शुद्ध कृष्ण पक्ष की चौथ आएगी, वो ही तेरे स्वाग को लौटाएगी। जब आज का दिन आया कार्तिक शुद्ध चौथ आई, सबने व्रत रखा तो उसने भी व्रत रखा। उससे पहले जो आश्विन मास की आई उसने बताया कि जब कार्तिक की चौथ माता आई तो उसके पैर पकड़ लियो, कांटे आदि बिछा दियो, उसके पैर में कांटा लग जाए, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। उसने ऐसा ही किया, कोई कांटा लग गया उसके पैर पकड़ लिए, कांटा निकाल दिया। कोई चिल्लाई तो कहा सुना सो वहां गलती हो, निकल जाता है। बड़ी बड़ी बुजुर्ग होती है, दूध ना हो तो भलो कह देते, नहीं कह देते, केवल पैर छूने से कितना आशीर्वाद मिल जाता है। और इनको दुखी रखोगे तो मुझसे नहीं बोलेगी, पर अंदर के आंसू अपने आप बहाए देंगे। इसी प्रकार से कहा सुना सौभाग्यवती भवा, मान के मेरा तो सौभाग्य तुम्हें लौटा सकते, मैं तुमने छल लिया मेरे को। उसने एक किन की अंगुली शीला लगाया, उससे खून निकला तो उसके मुंह में डाल दिया, अपने मांग में से सिंदूर लगा दिया, अनेकों प्रकार के जो भी श्रृंगार होते हैं याद लेकर के वो तो खड़ा हो गया। जब खड़ा हो कहने लगा, मैं तो सोते सोते घने मतलब बहुत देर सो लिया, मेरी कमर दुख रही है, है। बोला वो बोली सोते सोते ऐसा लग रहा है मुझे तो एक साल हो गया बाहर। सारी बात बताई तो उन्होंने ऊपर छत पर जो है उनका स्थान रख रखा था, सभी वहां का अच्छी तरह साफ सफाई करके और चौथ माता की दोनों पूजा करने लगे, पकवान आदि बनाने लगे। अब नीचे से सासू माँ और जो भी दोरानी जेठानी ने तेल की पूरी बनाकर कहा जाके दे देना अपने बच्चों को, जाके भिजवा दिया कि जाके दे, क्या तुम्हारा देखा तुम्हारा तो अलग ही शोभायमान हो रहा है, भगवान की पूजा पाठ हो रही है, उज्जवल कर रहे आदि, तो आदि बताया कि वहां तो ऐसे से हो रहा है। सासू माँ भाजी भाजी गई, उसने देखा मेरा बेटा जीवित है तो दोनों को गले यही समझे। इसी प्रकार से सासू माँ ने गले लगाया, सारी बात पूछी तो कही मेरी गलती थी, और इसी प्रकार से सब उज्जवल किया और डेढ़ोरा पिटवा दिया। तो राजा था, राजा की बहू थी, पूरे गांव में पूरे शहर में डेढ़ोरा पिटवा दिया कि सभी को उज्जवल करना है, चौथ माता की पूजा करनी है। इसी प्रकार से सबने विधिवत जो है पूजा अर्चना वंदना करी, और इसी प्रकार से उस राजा की बहू को राजा के बेटे को जीवन दान दिया। उसी प्रकार से सब जो कथा करे सुने ना सुने घर सो रही हो उनके भी सदा जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती रहे, भगवान सबका सौभाग्य अटल रहे। जो इससे बढ़कर संसार में एक स्त्री के लिए सुख कोई नहीं हो सकता है, इसलिए परमपिता परमात्मा सबका सौभाग्य अटल बना रहे, ये गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय।